नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। मध्य प्रदेश में हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए। नगर निगम चुनाव में अगर हम रीवा की बात करें तो रीवा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। रीवा में कई सालों के बाद कांग्रेस का महापौर जो है वो जीत कराया। उसके बाद अब हुए हैं नगर परिषद के चुनाव, जहाँ पर नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव हुए, जिसमें एक बार फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हो गई है और जिसके चलते नगर परिषद अध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी के हाथ से चला गया है और कांग्रेस की झोली में जाकर गिरा है। आपको बता दें कि रीवा जिले के थ्योथर नगर परिषद और मऊगंज नगर परिषद में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर किया है। बीजेपी के कब्जे से अध्यक्ष पद छीन लिया है कांग्रेस ने। बता दें कि थ्योथर नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव पर कांग्रेस ने बीजेपी के गुणा भाग को उल्टा कर दिया। जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है और जो कांग्रेस दावा कर रही है उसके मुताबिक कांग्रेस समर्थित कृष्णावती शुक्ला ने बीजेपी को झटका देते हुए नगर सरकार की वो मुखिया बन गई है। हालांकि उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी के राजकुमार मिश्रा को जो है जीत हासिल हुई है। वहीं नगर परिषद थ्योथर के अध्यक्ष पद में बीजेपी विधायक श्यामलाल की रणनीति फिलहाल फेल होती हुई सी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नगर परिषद थ्योथर के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी से समर्थित उम्मीदवार कृष्णावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार थे अनिल तिवारी, उनको उन्होंने हरा दिया है। वहीं बता दें कि कांग्रेस को 8 वोट मिले हैं, जबकि अनिल तिवारी यानी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अनिल तिवारी, उनको केवल 6 वोट मिले थे और उसमें से भी 1 वोट जो है वो रिजेक्ट हो गया था। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जबकि उपाध्यक्ष के पद पर निर्दलीय उम्मीदवार बबलू मिश्रा जो है वो विजयी हुए हैं और वो जो है बीजेपी समर्थित बताए जा रहे हैं। जनता जब वोट डाल रही थी तो कई समस्याएं बताई हैं, तो एक अध्यक्ष के पुनः काबिज हुए हैं। आप लगा जब पूर्व हुए थे तो उत्तर में विकास की चौकी विकास धारा रही थी, इस बार क्या पुनः है? वहीं अगर मऊगंज नगर परिषद के अध्यक्ष चुनाव के उप की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस के ब्रजवासी पटेल जो है वो नगर सरकार के मुखिया बन गए हैं। वहां पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने बीजेपी के क्या जो किला है उसको ढहा दिया है। 15 में से 5 पार्षद जो है वो कांग्रेस ने जीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्व विधायक ने कांग्रेस को 8 वोट दिलाकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी के सुंदरलाल साकेत जो है वो जीते हैं। देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं हमारे सुखेंद्र सिंह बन्ना जी की जीत है और पूरे मऊगंज और हनमना कांग्रेस की जीत है। अब देखिए, जहाँ तक हनमना में तो भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिला, अध्यक्ष का प्रत्याशी उन्होंने घोषित नहीं किया। हनमना मऊगंज में उन्होंने पैसों के दम पे चुनाव जीतना चाहा, लेकिन पैसे के दम पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये बहुत बड़ी हार है, विधायक जी को इस्तीफा दे के मऊगंज से चले जाना चाहिए। तो रीवा के मऊगंज में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस के पास केवल 6 ही पार्षद थे, जबकि बीजेपी के पास जो है वो 9 पार्षद थे। लेकिन यहां पर क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस के फेवर में वो वोट चले गए और कांग्रेस का नगर परिषद अध्यक्ष जो है वो बन गया है। तो देखिए, नगर निगम चुनाव के बाद एक बार फिर नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी को रीवा में हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की रणनीति यहाँ पर फेल होती सी दिखाई दी है। आगे 2023 में अब बीजेपी रीवा को लेकर क्या नई रणनीति लेकर आती है और कांग्रेस किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए क्या रणनीति लेकर आएगी, इसको लेकर एमपी तक लगातार आप सभी दर्शकों तक अपडेट लाता रहेगा। खबर भेजी है रीवा से विजय विश्वकर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।